सरोज ने खोले हैं सुनीता के दूसरे हस्बैंड के राज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट विद जिया। तो हम बात करने वाले हैं सरोज भाभी की और सुनीता के जो दूसरे हस्बैंड हैं उनकी। एक्चुअली किसी को नहीं पता, अभी जो है ना ब्लॉग के थ्रू सबको पता लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हिमांशु ने स्टार्टिंग में कुछ ऐसी लाइनें बोली जो कि सरासर गलत हैं। उसको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग व्लॉग बना रहे हो ना, तो आपके व्लॉग के ऊपर लोग रिएक्शन देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिएक्शन वीडियो होती है, जितना ये लोग बताते हैं ना व्लॉग में उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियो भी बनाई जाती है। अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं बोला जाता कि सुनीता ठीक है, सपना ठीक है या सरोज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये लोग बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोगों के कमेंट के आधार पर जो है वीडियो बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पे सुनीता ने इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें बताई थी सरोज के बारे में कि सरोज की भी दूसरी शादी है, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड के बारे में एक बारी भी नहीं, एक लफ्ज़ तक नहीं बोला कि मेरे भी ये जो पति है ना, इनकी भी एक्चुअली मेरे साथ दूसरी शादी है और इनका पहले क्या पास रह चुका है वो भी नहीं बताया। तो सरोज ने उसी के बारे में बताया कि इनकी खुद की भी अपनी एक वाइफ है, दो बच्चे हैं इनकी और एक बूढ़ी माँ है, बाप भी नहीं है, एक भाई है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। उनको छोड़ के जो है ये सुनीता के साथ इनका जो सेकंड हस्बैंड है वो रह रहा है। मतलब सभी की दो दो शादियां हैं घर में, ये जो है क्लियर हो चुका है। सिर्फ सपना की नहीं है, कालू भैया की नहीं है, बाकी सबकी दो दो शादियां हैं। सुनीता के हस्बैंड ने बोला था कि मैंने तो सरोज को अपनी बहन माना था और बहन के नाते जो है मैं उनसे बात करता था या फिर इज्जत कह लो, मैं इज्जत करता था बहन की। लेकिन सरोज ने भी बोला कि मैं भी भाई ही मानती थी, मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन इनकी हरकतें ख़राब थी और उस वजह से जो है ना मैंने रिश्ता तोड़ दिया था। हरकतों में जहाँ उन्होंने बताया यही कि ये अपनी वाइफ के लिए उल्टा सीधा बोलते थे सुनीता के लिए, कि ये जो है चार चार दिन गायब रहती है, घर नहीं आ रही, कहाँ है कहाँ नहीं, और ये अपने पति की नहीं तो मेरी क्या होगी, मैं इसके मुँह पर तेजाब डाल दूँगा। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो सरोज को बताते थे। तभी सरोज ने आज जो है ब्लॉग में ये चीज़ों के खुलासे करे हैं। मुस्कान के लिए गंदा बोला जाता था, तभी शायद वो लड़की इनसे दूर रहती है। वो शायद अपनी माँ से प्यार करती होगी, लेकिन शायद अपने जो दूसरे पापा हैं, सेकंड जो फादर हैं, उनको शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मुस्कान के लिए गंदा गंदा बोला जाता था कि मुस्कान के साथ मैं ऐसा काम करवा दूंगा कि उसकी शादी कहीं नहीं होगी, उसे जो है मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन इनके बेटे से कैसे शादी करनी पड़ेगी, ये मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये भी तो पापा ही हुए और इनका बेटा जो है वो मुस्कान का भाई हुआ, तो इनके बेटे से शादी कैसे हो सकती थी। सामान की बात थी ना, वो आज तक किसी को समझ नहीं आई कि सुनीता जो है सामान क्यों रख के जाती थी अपने मायके में, सरोज के पास क्यों सामान रखती थी। तो उसके लिए भी इसने, सरोज ने आज बताया कि वो सामान इसलिए रखती थी क्योंकि जो इनका हस्बैंड है वो उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े चुरा चुरा के अपनी पहली वाली वाइफ को दे के आते थे। लेकिन अगर वो पहली वाली वाइफ को दे के आते थे, ये तो कह रहे हैं कि उससे जो है छोड़ के आ गए थे, तो ये दोबारा उनके पास क्यों जाते थे, है ना। सुनीता थोड़ा सा डरती थी, उसको लगता था कि मेरा सामान जो है चोरी हो रहा है, तो वो अपना सामान अब थोड़ी सी सेफ्टी के लिए जो है सरोज के पास रख के जाती थी। और सरोज ने अपनी शादी के लिए भी बताया, देखिए सरोज यहाँ पर इतनी गलत मेरे को नहीं लगती है, ठीक है कि भाई मैं कहूँ कि हाँ 100% सरोज गलत है, नहीं, उनका बस एक पास था जो कि सुनीता ने बताया, अदरवाइज़ उनके ऊपर कोई भी ऐसा लांछन नहीं लगा है सरोज के ऊपर कि कोई ऐसे कह सके कि सरोज का करेक्टर ख़राब है, ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन सरोज ने जो चीज़ें थी सुनीता के बारे में कि चार चार दिन घर ना आना, अपनी बेटी को छोड़ के चले जाना, दोनों बच्चों को छोड़ के चले जाना, फिर उसके बाद मुस्कान भी यही बोलती थी कि मुझे जो है इनके साथ नहीं रहना, अपने जो सेकेंड फादर है उनके साथ नहीं रहना, मुझे वापस यहाँ लेके आओ, तो ये चीज़ें जो हैं सरोज ने बताई हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान से एक चैनल भी था जो कि आया था डिफेम करने अरमान मलिक को, तो उनको भी जो सरोज ने बताया कि जो नंबर थे ना हमारे घर के, वो नंबर इनके हस्बैंड ने दिए थे और किसी ने नहीं दिए थे, हम सबके नंबर, हमारी आइडेंटिटी सब कुछ जो है सुनीता के हस्बैंड ने दी थी। तभी जो है कभी भी आपने देखा होगा जब वो लाइव चलती थी या चैनल था वहाँ पे ना, कभी वो ये नहीं बताती थी कि एक्चुअली नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, बस वो यही बोलती थी कोई एक बंदा है उससे मिल रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने, जब इनको पता लगा कि ये नंबर कहाँ से गए हैं, तो इनको जो है मारा पीटा भी गया और सुनीता वहीं खड़ी थी। जब बात होती थी कि कुछ पूछने की, तो वो जो है सरोज का नाम ले देते थे आगे, सरोज को कर देते थे कि इससे पूछ लेना, ये सारी चीज़ें आपको बता देगी। फिर सरोज ने अपनी शादी के बारे में बताया कि मेरी शादी के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, ये छोड़ के आई, तो मेरी शादी जो है 12 साल की उम्र में हुई थी और उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा ना समझ थी कि मैं घर बसाने के नहीं थी। और हाँ ये बात सच है कि गाँव में देखो पहले शादी करते थे, जल्दी कर देते थे शादी,
और अभी तो खैर नहीं होती, अभी 18-20 साल की लड़की हो जाती है उसके बाद करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में कर देती थी। बात देखिए घर छोड़ने की, तो वो परेशान थी तभी शायद घर छोड़ के आई है, और हिस्से की काफ़ी लोग पूछते रहते थे, आज तक सब ने पूछा है कमेंट करके कि आप बोलते हो कि हिस्सा लोग मांग रहे हैं, लेकिन सुनीता वीडियो बना के बोलती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, अरमान बोलता है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, उधर से सपना भी बोलती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तो हिस्सा किसको चाहिए, आप ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। तो लोग तो झूठ समझेंगे ही जब ये नहीं बताएंगे। तो तब सरोज ने बताया कि सब ने हिस्सा मांगा था, लड़ाई भी हुई थी, अरमान ने भी मांगा था, बोला था कि 50% जो है इस घर में आधा हिस्सा मेरा है, वहीं पे सपना ने भी बोला था, इधर से सुनीता ने भी बोला था कि बेटियों का भी हिस्सा होता है घर में, और उस दिन काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो ये लोग जो हैं लड़ झगड़ के चले गए थे, इसलिए जो है ना सरोज ने ये बात अपने ब्लॉग में बोली थी कि मैं इस घर के लिए जो है कोर्ट केस करूँगी, मुझे अपना हिस्सा इस घर में से चाहिए क्योंकि 20 साल मैंने इस घर को दिए हैं। इज्जत की तो सरोज ने यही बोला कि मैंने कब इज्जत नहीं करी, जब सब ने घर से निकाल दिया था, सब बोलते थे कि इसको घर में मत आने देना, मतलब सुनीता को घर में मत घुसने देना, तो उस टाइम पे मैं ही थी जो इसकी हेल्प करती थी हर जगह पे, चाहे कोई कोर्ट केस हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे ना इनके भाई जाते थे ना इनकी भाभी जाती थी, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पे इनके लिए खड़ी रहती थी, और आज मेरे ही ऊपर जो है ना ये वीडियो बनाते हैं, और व्यूज़ के लिए बोला गया कि हाँ व्यूज़ हम कमा रहे हैं, व्यूज़ सब कमा रहे हैं, मेरे से रिलेटेड जितने लोग हैं सब कमा रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल ये सच बात है कि व्यूज़ तो कमा ही रहे हैं, या तो अगर व्यूज़ नहीं कमाना अगर सच में है तो अपना मोनेटाइजेशन जो है ऑफ कर दो, तब जाके इंसान को एक बार लगे कि हाँ भाई आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे। लेकिन पूरी कॉन्ट्रोवर्सी व्यूज़ के लिए हो रही है, और वैसे देखो पर्सनली समझाने वाली बात यही होती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, फ़ोन पे या किसी बड़े को घर में बैठ के इनको समझाना चाहिए कि एक दूसरे को डिफेम मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पे एक बार अगर आपने एक बात बोल दी ना तो वो बात हमेशा के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाती है, सबको याद रहती है। यहाँ पे जहाँ पे कल सुनीता के हस्बैंड ने ये बोला था एक इंटरव्यू में कि किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी, आंखें दिखाती थी वो मम्मी को, दादी की कोई सेवा नहीं करती थी, हमारे पास दादी रह रह के जाती थी, उसका जवाब भी सरोज ने दिया है कि कौन कहता है कि मैंने सेवा नहीं करी, पूरा जो है हासी गवाह है, जितने इनके आस पड़ोस में रहने वाले हैं जो देखने वाले हैं वो सब गवाह हैं कि मैंने सेवा करी है नहीं करी। लास्ट टाइम पे दम भी जो है सरोज की गोदी में तोड़ा था इनकी दादस ने। सपना के साथ भी लड़ाई हुई थी सुनीता के हस्बैंड की, उनके सिर में गिलास मारा था, इनकी कोर्ट कचहरी हुई थी, और ये वाली बातें भी सरोज ने बताई कि भाई उस टाइम भी मैं ही गई थी। तो हमेशा साथ की अगर बात करी जाए तो साथ सरोज ने ही दिया, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे इनका अपने पति को छोड़ के आने वाली बात हो, चाहे कोई भी बात हो। और रही बात इनकी बेटी की मुस्कान की, तो मुस्कान के लिए भी बोला कि मैंने कभी नहीं भड़काया, कोई भी उससे फ़ोन करके पूछ सकता है, या मुस्कान खुद भी अपने ब्लॉग में बता देगी कि मैंने उन्हें उसके कभी भड़काया है उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ या नहीं, या उसका खुद का फैसला रहता था कि मुझे वहाँ पर नहीं रहना। वही बात है कि ताली देखो एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, गलती दोनों की, ऐसा नहीं है कि हम बोले खाली सुनीता ही गलती है खाली सरोज की गलती है, नहीं, एक ने थोड़ा सा करेक्टर के लिए बोला तो दूसरे ने भी करेक्टर पे उंगलियां उठा दी, तो फिर ये बात जो है बात से बतंगड़ बन गई, तो बात ऐसे ही फैलती। तो अगर सारा सच बता रही थी तो उनको भी बताना चाहिए था कि भाई उनके जो सेकंड हस्बैंड है उनके साथ भी क्या हुआ था, क्या उनकी भी कोई मजबूरी थी कि वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, क्योंकि अभी किसी को सोशल मीडिया पे नहीं पता इन चीज़ों का, सबको यही पता है कि शायद ये कवारे थे और सुनीता दीदी से शायद इन्होंने शादी कर ली थी, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं तो कोई इंसान क्या ही बोलेगा। मान के लिए भी बोला कि ये मुझे बोलते हैं कि पैसे देते हैं पैसे देते हैं, तो 2014 से अब तक की मैं पूरी कॉपी इनको दिखा सकती हूँ कि मुझे कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं कितने नहीं। और रही बात कमा के खाने की, तो इनके बच्चों तक को भी मैंने पाला है, मतलब सुनीता दीदी के बच्चे तक सरोज रखती थी, सलवार सिलती थी, इतने सारे घर के मेंबर्स थे, खुद के ये तीन बच्चे इनके थे, तीन बच्चे उनके थे, ऊपर से ये हस्बैंड वाइफ थे, एक दादस थी, ये इतने सारे लोगों का खर्चा जो है सरोज उठाती थी। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है, कौन आपको सही लगता है कौन गलत, एक्चुअली सही गलत को हम तो कहने वाले कोई नहीं होते, कौन ठीक है कौन नहीं, लेकिन जिसकी भी वीडियो आती है ना उसको देख के ये लगता है कि यार ये ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे मेंबर की वीडियो आती है तो उसकी वीडियो देख के लगता है कि नहीं ये ठीक बोल रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन ठीक है कौन गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।